हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही शॉर्ट तरीका जिसके थ्रू आप बड़े आराम से अपने बाइनांस एक्सचेंज से पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसा कि हम जानते हैं, बाइनांस एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट इंडियन बैंक्स का सपोर्ट नहीं मिलता है कि हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लें। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो डिपॉजिट तो कहीं से कर लेते हैं बट विड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीका। इससे पहले भी मैंने एक तरीका बताया था P2P ट्रेडिंग के थ्रू, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। उसमें बेसिकली हमें बायर्स ढूंढने होते हैं जो हमसे हमारी क्रिप्टो करेंसी खरीद सके और वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में भेज सके। उसमें बिगिनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए हमारी लिमिट 10,000 की है सेल करने की और हमें जो बायर मिल रहा है वो 20,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक बिगिनर को। तो आज मैं आपको बहुत ही शॉर्टेस्ट वे बताने वाला हूँ पैसे विड्रॉ करने के लिए, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। सबसे पहले गाइज, आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल कर देनी है USDT के पेयर में। USDT आपके वॉलेट में होनी चाहिए, उन्हीं को हम सेल करेंगे और उन USDTs को आपको ट्रांसफर कर लेना है फंडिंग वॉलेट में। फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फंडिंग वाले वॉलेट में आना है। यहाँ पे आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपके अगर स्पॉट वॉलेट में USDT है तो सिंपली आपको स्पॉट टू फंडिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे USDT आप सेलेक्ट करिए एंड यहाँ पे आप अमाउंट डाल के कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपके USDT स्पॉट वॉलेट से उठकर आपके फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी फंडिंग वॉलेट में 156 USDT हैं, तो इन्हीं को मैं आपको बैंक अकाउंट में विड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ वो बेसिकली P2P ट्रेडिंग के थ्रू ही होता है, बट आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। बाइनेंस ऑटोमेटिक आपको बेस्ट रेट्स प्रोवाइड करता है और ऑटोमेटिक बायर फाइंड करके देता है। सिंपली आपको अमाउंट डालना है, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में। तो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन नीचे स्क्रॉल करना है और आ जाना है फाइनेंस वाले सेक्शन में। फाइनेंस वाले सेक्शन में आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा सेंड कैश का। आपको इस सेंड कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरा इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके बाद आपने जो भी बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर रखी हैं पहले से वो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अगर आपने ऐड नहीं कर रखी है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप IMPS के थ्रू पैसे ले सकते हो, UPI के थ्रू ले सकते हो या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। मैंने यहाँ पर अपना UPI ID ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो मैं UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा UPI ऑलरेडी एडेड है तो आ रहा है, कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद USDT यहाँ पे सेलेक्टेड है। आप 5-6 क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे सेल कर सकते हो। इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो USDT है, XRP है, मैटिक है, सोलाना है, BUSD है, WRX है। तो इन 6 क्रिप्टो करेंसीज को आप यहाँ से सेल कर सकते हो डायरेक्टली। आपके फंडिंग वॉलेट में ये होनी चाहिए, आप इनको डायरेक्टली यहाँ से सेल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे USDT सेल करने वाला हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, मिनिमम आपको 20 USDT सेल करने होंगे। मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 25 का। तो 25 USDT हम यहाँ सेल कर रहे हैं और जो कन्वर्जन रेट हमें यहाँ पे मिल रहा है वो 88.28 रुपीज़ मिल रहा है पर USDT। तो जो भी बायर हायर प्राइस में बाई कर रहा होगा USDT इस रेंज में, बाइनेंस ऑटोमेटिक फाइंड करके आपको देता है। एंड जैसा कि आपको पता है P2P ट्रेडिंग में कोई फीस वगैरह नहीं लगती है, डायरेक्ट आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसके बाद गाइज हम इस पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो बायर है जिसने हमसे हमारे USDT लिए हैं वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में सीधा भेज देगा हमारी UPI ID पे। आपको तब तक के लिए वेट करना है। इसमें कभी कभी 5 मिनट में भी हो जाता है, 10 मिनट में भी हो जाता है या फिर कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस बायर से बात भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, मेरे पास मैसेज आ चुका है, 2217.50 रुपये हमें रिसीव्ड हो चुके हैं और इस बायर ने यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को टिक भी कर दिया है कि हमने पैसे भेज दिए हैं। अब मैं फोन पे पर जाकर आपको दिखा देता हूँ कि ये पैसे हमें रिसीव हो गए हैं। हिस्ट्री में गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2217 रुपये मेरे पास आ चुके हैं मेरे बैंक अकाउंट में। अब हमें क्या करना है, हमें ये क्रिप्टो रिलीज करनी है। यहाँ पे बाइनेंस को बताना है कि हमें पैसे मिल चुके हैं, अब आप मेरी क्रिप्टो इस बायर को दे दो। तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टिक कर देंगे हम आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, उसको आपको कन्फर्म कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपना OTP सबमिट करेंगे यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिख कर आ रहा है 2217 रुपीज़ सक्सेसफुली सोल्ड फॉर 25 USDT। तो 3 रुपये हमें रिसीव हो गए, हमारे USDT बायर के पास चले गए।
तो देखा गया कितना आसान है इस प्रोसेस से पैसे विड्रॉ करना, ना ही हमें कोई पेमेंट मेथड का फिल्टर लगाना है, ना ही कोई लिमिट देखनी है, ना ही कोई बायर देखना है कि कौन हमसे अच्छे प्राइस में बाय कर रहा है। सब कुछ बाइनांस ऑटोमेटिक आपको करके देता है, सिंपल सा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर लगाना है, पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और आपको क्रिप्टो रिलीज कर देनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप आसान तरीके से पैसे विड्रॉ कर सकते हो बैंक अकाउंट में। तो बाइनांस पे डिपॉजिट और विड्रॉ काफी आसान है गाइज, आपको बस एक बार सीखना है। अगर आपके पास बाइनांस का अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक से जाके आप साइनअप कर लीजिए। अगर आप मेरे लिंक से साइनअप करोगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना गाइज, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।